केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने रायबरेली की सालोन तहसील में स्वनिधि योजना के तहत 1518 लोगों को ऋण चेक वितरित किए। इनमें से 1475 लोगों को 10,000, 68 लोगों को 20,000 और 80 से ज्यादा लोगों को 50,000 का चेक वितरित किया गया। सांसद इस दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदारों को धूप से बचाव के लिए छतरी भी वितरित किया। साथ ही उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की रायबरेली जिले में पड़ने वाली सलोन विधानसभा में विशेष ऋण कैंप लगाने का जिलाधिकारी से अनुरोध भी किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वनिधि योजना का उद्देश्य कोरोना काल में अपने स्वरोजगार खो चुके लोगों को पुनर्रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पटरी दुकानदार लोगों को घर के दरवाजे तक जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, साथ ही ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस अवसर पर सलोन विधायक अशोक कोरी, जिलाधिकारी हर्षिता माथ और पुलिस अधीक्षक अलोक प्रियदर्शी उपस्थित। दैनिक समाचार संवाददाता रायबरेली से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्षमता का संरक्षण, लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव। मैं आज जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, जो विशेषतः छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, उनसे आग्रह करती हूँ कि आप लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, वोट देने जरूर जाएं। थैंक यू।